चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक तरफ संजीव बालियान जी, एक तरफ हरिंदर मलिक जी है, कौन लगा है? जनता किन की तरफ झुकाव रखेगी इस बार? भाई यहाँ तो रुझान उसका ही है, हरिंदर मलिक का। हरिंदर मलिक का किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी किसान की समस्या के लिए। डांगर ही निकाने छोड़ा, कोई मतलब जाग चुकी, कोई नौकरी नहीं छोड़ी। नरेंद्र मलिक भी बढ़िया नेता है, धाकट नेता है, पहले रहे हुए आते जाते रहे, बल्कि संजीव बालियान तो इलेक्शन के टाइम ही आवे। किसानों की परेशानी हुई इसमें थोड़ी बहुत, और तो कोई वो नहीं, और तो सरकार ठीक थी सब, और किसानों की परेशानी हुई जो भी हुई भाई। ये जो आवारा पशु है इनकी परेशानी, और भाभी जो देना चाहता वो नहीं दिया भाभी। वैसे कैंडिडेट अच्छे हैं अभी भी, हम नहीं कहते खराब है नरेंद्र मलिक भी। अब वो कुछ जाट अभी नाराज चल रहे हैं भाई, वो क्यों चला गया उसमें, हम तो जाना नहीं चाह रहे थे। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में है, और ये मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है जहाँ पर हम आज कैलाश नगर गाँव में खड़े हैं। हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। गांव के लोग हैं हमारे साथ। मैं दर्शकों को बता दूं कि मुजफ्फरनगर सीट से दो बार सांसद रह चुके डॉक्टर संजीव बालियान जी यहां से भाजपा से फिर से उम्मीदवार है, और वहीं दूसरी तरफ सपा से हरिंदर मलिक जी का टिकट दिया गया है। देखना ये होगा कि दोनों ही जो दिग्गज नेता है वो जाट समाज से आते हैं, और यहाँ की जनता का क्या मानना है इस बार, और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या वो अपनी राय रख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। गांव के लोग हैं हमारे साथ, इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर, क्या लोगों का मन बन रहा है। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या मुजफ्फरनगर सीट है जी, चुनाव आगे? हाँ, तो क्या लग रहा, क्या देख रहे इस सीट पे इस बार? भाई भी तो कुछ नहीं पता चल रहा। अच्छा, तो दो तरफ, एक तरफ संजीव बालियान जी, एक तरफ हरिंदर मलिक जी है, कौन लगा है? जनता किन की तरफ झुकाव रखेगी इस बार? भाई यहाँ तो रुझान उसका ही है, हरिंदर मलिक का। हरिंदर मलिक का। हाँ। अच्छा, तो बाकी जो पहले सांसद रहे उनका नहीं काम लगा कुछ बढ़िया? नहीं, वो तो आगे भी जागते हैं। अच्छा, गाँव में नहीं मिले कभी? ना। और सरकार का काम कैसा लगा? सरकार तो ठीक चला रही है। ठीक चला रही। अच्छा, चलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बस चुनाव की बात कर रहे थे ऐसे ही, बड़े दो दिग्गज नेता सामने हैं इस बार, तो किसे आप देख रहे हैं भाई, किसकी तरफ जनता झुका? दोनों ही पार्टी चल रही है बराबर, ठीक हिसाब किताब चल रहे। देखो भी तो सारी तो पार्टी भी नहीं उठी भी कोई, किसका क्या हो क्या नहीं वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। राम राम भाई। आ जा। तो काम वाम कैसे लगे जी? सरकार के 10 साल हो गए, संजीव बालियान जी सांसद रहे पिछले 10 साल से, क्या लगे इस बार आपको, उनका काम कैसा लगा? काम कुछ नहीं, काम वाम कुछ नहीं करा। और सरकार का काम कैसा लगा? सरकार का काम ठीक है, सरकार अपना कर ही रही। हाँ, तो अगर किसान की बात करूँ, किसान के लिए कैसे? किसान का कुछ नहीं हो रहा। तो सांसद आपने भी कुछ किया किसानों के लिए अभी तक भाई? कुछ किसी ने कुछ नहीं करा किसानों ने, तो किसानों के लिए तो अपना अब राज के लिए ठीक चल रहा काम हिसाब किताब। किसान की समस्या क्या क्या है आज के दौर में? किसान की समस्या तो जितनी समस्या है सारी खराब ही, सब खत्म ही खत्म है। किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी किसान की समस्या के लिए। डांगर ही निकाने छोड़ा, कोई मतलब जाग चुकी, कोई नौकरी नहीं छोड़ी, कोई करी नहीं, कोई भर्ती खोली नहीं इन 10 साल में, बताओ क्या। पहले जैसे भाई किसान के बच्चे थे जो भाई सेना भर्ती में चले जाते, बर्बाद करी, भर्ती में चले जाते, वो भी 4 साल की कर दी। 4 साल की कर दी भाभी। हाँ, तो ये किस तरह का इनका निर्णय रहा ये सरकार का? यो निर्णय खराब। नमस्कार जी। नमस्ते भाई जी, क्या नाम अपना? कृष्णपाल। कृष्णपाल जी, चुनाव आगे तो तारीखें घोषित होगी, तो क्या देख रहे हैं, किसको इस बार ला रहे मुजफ्फरनगर में? भाई नु तो पता नहीं कौन सा नहीं जोड़ सके, भाग में राज होगा तो हो जाएगा, पर संजीव बालियान कर हरिंदर मलिक का ही बता रहे होगा नहीं कि आपस में टक्कर है, जो कुछ होगा ऊपर ताड़ा इनका ही हो जाएगा। अच्छा, तो मन नहीं बनाया अभी तक? ये भी कुछ मन नहीं बन रहा। अच्छा, चलिए, सांसद जी का काम कैसा रहा आपके हिसाब से भाई, क्षेत्र में कुछ विकास तो यू रहा? एक बार जागतू की भर्ती नहीं हुई,
और ये मजदूर आना, मजदूरों ने आना बंद कर दिया। किसान को ना मजदूर मिलते ना कोई मिलता, ये डांगर और इतने छुट रहे खेत को, ये खा जा सारे को। खरसा में बिजली आवे वह 5-4 घंटे आवे, सड़क ये ऐसी करवा दी, इन पर वो माल गिरवाया, रोज एक्सीडेंट हो, खतरली बुढ़ाने बीच में एक आधा रोज हो जा, सारी पट्टी पड़ी ये सड़क। ये तो कह रहे हैं रोड बन रहे हैं, कोई से का भर्ती नहीं हो रही। एक दिन पेपर कट देखा मैं, 2 दिन पीछे पता लगा वो तो लीक हो गया था पेपर, कैंसिल भर्ती। अभी जैसे पुलिस की भर्ती रद्द हुई तो कहाँ समस्या नजर आवे आपको, सिस्टम में, प्रशासन में, सर? प्रशासन नहीं कराए, सरकार नहीं करवा, प्रशासन पे सरकार ने करवा होगा। जब सरकार जिम्मेदार है क्यों होने जा सरकार ना सा ना होने देती सरकार, सरकार की तो जिम्मेदारी। लेकिन लेकिन चुनाव के टाइम ही भर्ती क्यों भाई, 4 साल पहले भी, 4 साल वोट लेने ही ना है, चुनाव के टाइम भर्ती है तो जनता समझाए, ये लुभावनी चीज़ें। जनता तो समझावे पर समझा कोई जी भी तो समझावे, समझते तो नहीं है, हमारी बात ना मल्लो जाती तुम ये सुन के लिख के कह दो मैं मल्लो भेजेंगे जा कहीं नहीं कुछ भी। हाँ चले चले जागी इब के जागी देख लेंगे, वोट दे देंगे, चली जागी तो जो सा ठीक काम करेगा उसे वोट देंगे। तो नरेंद्र मलिक जी कैसे नेता लगे आपको, कैसे? नरेंद्र मलिक भी बढ़िया नेता है, धाकड़ नेता है, पहले रहे हुए आते जाते रहे, बल्कि संजीव बालियान तो इलेक्शन के टाइम ही आवे। नरेंद्र मलिक ऐसा है जो बीच में भी आता जाता रहे, तो बन से गया बात, ये भी कुछ पता नहीं कौन से की बड़ा बात हम कहने लगे पहले एक बार हरेंद्र बन जाएगा कि संजीव बन जाएगा पता कुछ नहीं, दोनों का डम्मा डोल है, टक्कर रहेगी बराबर, दोनों की बराबर की टक्कर है जी। चलिए सरकार का काम कैसा रहा 10 सालों का, मोदी जी का काम कैसा रहा? वो विदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं काम, पर यहाँ किसानों के हक में तो कुछ भी नहीं कर रहे, ना तो घंटे का भाषा ही बताते। मायावती ने 1 साल में 60 रुपये बढ़ा दिए थे, अखिलेश ने 50 रुपये बढ़ा दिए थे गन्ने पर, और इन्होंने 10 साल में 45 रुपये बढ़ाए, 25 एक बार 20 एक बार 20 इस बार बढ़ाए। हाँ उनमें भी 2 किराए के बढ़ा दिए, 18 ही रह गए। किसान की खेती के अनुसार परिवार की घर की जरूरत, रात को बिजली आती खेत में बल्ब पड़े थे, वे कीट पतंगे मर जाते, कीड़ा कम लगा था, अब रात को 12 बिजली नहीं आती, खेत में इतने कीड़े हो रहे हैं, ये पहले ठाडे होते भी जितने हो रहे कीड़ा लगने लगे सब खत्म हो गए फसल। लेकिन सरकार तो कह रही है हम किसान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रही है, किसान सम्मान निधि हमारे काम में 100 आदमी में कम से कम 80 होगी, ज़्यादा 15-20 की बस, अन्य किसी की भी नहीं आते कहीं कहे तो। ये तो बड़े बड़े बोर्डों पे लगा के दिखा रहे हैं कि हमने दिखा दे, लगा के दिखा दे पर करते नहीं, तो ये झूठा प्रचार है, झूठा प्रचार है। हाँ थोड़े सच्चे झूठे ज्यादा, तो नाराजगी नहीं है इन चीजों से? बस जो हमें तो फिर भी छोड़ना नाराज हो गए कि एक रह हम सरकार है हमारे मोदी प्रधानमंत्री है, हम उसकी बुराई क्यों कर करा, विदेश का होता तो कोई बुराई भी करे, इब अपना प्रधान हो जाए उसकी बुराई थोड़े करे जा, बानो तो कह सकेगा हाँ काम सही नहीं कर रहा, गलत काम कर रहा, प्रधान के मुंह पे भी कह लेंगे, और प्रधानमंत्री तो मार दावे नहीं जो हम उसके मुंह पे कह कि ये गलत हो रहे हैं सही हो रहे। अच्छा जैसे ये इन्होंने वादा कर रहे थे भाई किसान की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, 22 रही आय तो चौथाई भी नहीं रही, पहला 80 क्विंटल का बीघा ईंख लिख रहा था, अब लिख रहा है 20 क्विंटल का बीघा, जकत भर्ती नहीं होते, पहले कोई एक आधी भर्ती आवे थी उसमें एक आधा कोई भर्ती हो जाता, अब कैंसिल हो जा भर्ती, तो अग्निवीर ले आए उसका फायदा, अग्निवीर में भी कतेक भर्ती हो रहे बताओ, कतेक हो रहे हैं अंत हमारे काम में तो कोई आ नहीं दिखे अग्निवीर में भी बोलो जी ना लावे धोरे के, एक गाँव में तो गए 2 बच्चे बस, यानी 5-4 काम में तो अग्निवीर में भी नहीं गया कोई। तो किसान पे जैसे भाई महंगाई का भी असर पड़ा है कुछ? महंगाई का सारा असर पड़ रहा, सारी चीज महंगी हो रही, तो खाद बीज इन सब कैंप नहीं मिलता, खाद को यूरिया को नुक है कहना सी गया, और दवाई ले तो यूरिया मिलेगा नहीं तो मिले नहीं। हाँ जी ये हमें चाह तो 2 कट्टे उसी गैल 2 कट्टे आ जाएंगे 500 रुपये के 550 के, उसी गैल 1000 रुपये का सामान हो लो जो मैं 2 कट्टे में लगे नहीं तो वे भी मिले मैं बिटार। क्या नाम जी अपना? यशवीर नाम है। यशवीर जी अभी बात कर रहे थे किसान की बात कर रहे थे, क्या लगा जी मुजफ्फरनगर सीट है किसानों के हक में कैसी रही सरकार? किसानों की परेशानी हुई इसमें थोड़ी बहुत, और तो कोई वो नहीं, और तो सरकार ठीक थी सब, पर किसानों की परेशानी हुई जो भी हुई भाई, ये जो आवारा पशु है इनकी परेशानी, और भाव भी जो देना चाहता वो नहीं दिया भाव भी, जैसे खाद बीज की बात कर रहे थे भाई घटा दिया पहले से कह रहे खाद बीज, हाँ बस पैसे ना बढ़ा कर यूरिया के कट्टे पे कम कर दिया उसमें कट्टा रो बता रहे और घटा रहे 5 किलो और 40 किलो का ही रह जाएगा कट्टा।
और दवा और ये इतनी महंगी हो गई, हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा, तो हर किसानों की आमदन और घटी रही, बढ़ नहीं रही। ये तो कहते हैं भाई दुगनी कर देंगे, दुगनी कहाँ घटी है, दुगनी कुछ नहीं रही, तो किसान के हक में सही नहीं रही, किसान के हक में सही नहीं है। तो यहाँ मुजफ्फरनगर सीट है, पूरे देश में जानी जावे, आपको क्या लगे, दिग्गज नेता है दोनों ही तरफ? तो भाई हम तो जयंत के पीछे, अब जहाँ जाएगा कोई झेरे में जहाँ पड़ेगा उसके हेल पड़ना पड़ेगा, बात यह है। तो जयंत साहब तो उधर चले गए, अब उधर गया गया, हमें भी उधर ही जाना पड़ेगा और क्या करें। लेकिन जो हाथरस में हुआ उनके साथ व्यवहार, और जो किसान आंदोलन चला, 750 किसान आंदोलन शहीद हुए, इन बातों का फर्क नहीं पड़ेगा जनता पर? देखो फर्क तो पड़े, फर्क तो पड़े, पर जो है भाई कुछ बात जो है भूलनी भी पड़े, और ये ऐसी बात है भूलनी भी नहीं जाती, पर चलो जो उन्होंने निर्णय लिया भाई नेताओं से मानने, पहले तो हमारे बड़े मानता है हम भी मानने, तो अब उस दिक्कत निर्णय के साथ तो रहना पड़ेगा, बात मजबूरी है। अच्छा, तो खुश आपको लगा खुश हो के गए होंगे उधर? बस खुश हो के गए, जैसे भी गए, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी या कुछ भी बात हो, उसको कोई अपना वो तो बता ही नहीं बा कुछ, मैं इस वजह से चाह रहा। चलो मुजफ्फरनगर सीट पे क्या लग रहा है ये बताओ, थोड़ा सा आइडिया दे। देखो जी मुजफ्फरनगर सीट पे थोड़ी भाई यही सुनिए, अब तो ठाकुर नाराज चल रहे, एक त्यागी नाराज चल रहे, अब त्यागी ने भी कोई वो सुनील ठा दिया कोई, और ठाकुर ने भी, और जो ये ठाकुर और ये त्यागी बगल चले गए, तो वह फिर मुश्किल सा मामला दिखाई दे रहा। तो किससे नाराज चल रहे, भाजपा से? भाजपा से के तो बस नाराज चल रहे, संजीव बालियान तभी राजेंद्र तभी नाराज है, त्यागी तो। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। भाई साहब क्या नाम? राजीव। राजीव जी, चुनाव है, बड़ी विख्यात सीट है मुजफ्फरनगर, क्या लगा है, क्या देख रहे हैं सीट पर? भाई अभी तो क्लियर नहीं कर सकते कुछ भी, दोनों तो कोई कैंडिडेट है अब तक हमारे पास, दोनों में कोई सा भी ठीक है, और वे भी पुराने कैंडिडेट है, रिंदर मलिक भी ठीक है, संजीव बालियान तो नवा ही है उनके आगे। हमारी विधानसभा जो सीट है यहाँ, इसमें सबसे पहले राजनीति उन्होंने स्टार्ट यहाँ से करी थी, खतौली विधानसभा से हरिंदर मलिक जी ने, ठीक है, पुराने नेता है, पुराने नेता है, लेकिन इस बार सपा से है मैदान में। अब के सपा से है, अगर और लोक दल से होते तो मजा ही आता कुछ और बात का, पर फिर भी भाई देखने पड़ेंगे वे भी, दोनों ही तरफ जाट समाज से है, क्लियर नहीं कर सकते अभी, क्लियर नहीं है हमारी तरफ से, कुछ लोग असमंजस में है अभी, वैसे कैंडिडेट अच्छे है अभी भी, हम लोग कहते खराब है इंदर मलिक भी, पर समस्या आजगा, अब देखो जयंत आका कैसे, जब आप बिरटे या रूठ रहे कुछ जाट उन्हें कैसे मनावा है, उसके ऊपर बात है, इतने कोई वो नहीं होने का कि भाई एक तरफा कुछ, हाँ जयंत कोशिश करेगा आके तो लो जो बिरटे लोग भी मान जाएंगे, कभी अंदर अंदर घुमा दे बात। अभी तो हाँ मामला ऐसा ही है, पर जहाँ तक है लोग मान जाएंगे, मना लगा वो। अच्छा मना लगा, अच्छा जी, आपको भी लगा ऐसा? देख देखो भाई, हाँ हो भी सके। चले, किसान की बात कर रहे थे हम लोग, भाई किसान हर चुनाव में किसान के मुद्दे है, समस्या है बहुत सारी, तो 10 साल पूरे हो जाएंगे कहीं ना कहीं सरकार को, सरकार का नज़रिया कैसा रहा किसानों का? किसानों के लिए तो गलत है इनका नज़रिया, बीजेपी वालों का, ठीक है, किसानों को तो कुछ नहीं है, किसान इनसे बहुत कुछ, कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं इनके लिए, कुछ भी काम करवाने जाए कोई वहाँ भी रिश्वत चले इनकी, कोई काम क्लियर नहीं होते इनके, हमारे यहाँ रोडी बंडी, इसमें थोड़ा थोड़ा माल गिरवाओ, इसमें भी रिश्वत चल रही होगी इनकी, हमें तो राय नहीं बैठता इनका, क्या हिसाब चल रहा क्या नहीं, किसान के लिए कहीं घोषणा है इन्होंने, काम होते नहीं इनके भाई, किसानों को तो ना तो 2000 रुपये चाहते, किसानों को तो अपनी फसल का वाजिब मूल दो, ये 2000 की भी टाल करो, क्या हो रहा 2000 रुपये तो, जैसे कई जिलों में गन्ना भुगतान की समस्या रहो, जहाँ आंदोलन चलू गए जगह जगह, तो इन चीज़ों का फर्क पड़ेगा इन चुनावों में? देखो जहाँ समस्या है जो वहाँ फर्क तो पड़ रही है थोड़ा बहुत, पर हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं, भुगतान की कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, हमारे यहाँ तो हर ठीक है, हमारे यहाँ ठीक 8 दिन में 15 दिन में पेमेंट आ जा, 15 दिन पेमेंट आ जा हमारे यहाँ, हमारे यहाँ दिक्कत नहीं पैसे पेमेंट की, मेरे ख्याल से कुछ मार्च का भी आ लिया होगा शायद हमारे यहाँ, तो इसी ये इन्होंने एक घोषणा और की थी कि भाई किसानों की हम ट्यूबवेल की बिजली फ्री करेंगे, अभी तक कुछ ऐसा हुआ भाई? सुन तो रहे अभी पता चले नहीं, नहीं 12 फ्री है वो, हमने बिजली घर में पता कर लिया फ्री है 12, अच्छा जो बकायेदार नहीं है उसका फ्री है, लेकिन चुनाव के टाइम ही कह रहे हैं अभी। नहीं नहीं उन्होंने पहले ही कर दिया था, अच्छा। बिजली तो कई महीने वाली है, मैं खुद बिजली घर में कहा था तो उन्होंने कहते नहीं फ्री है, बाबा जी वह बिजली खेत की फ्री कर दिया, तो घरों की उस खेत वाली तभी ज्यादा कर दी,
बात तो सॉरी हाँ है, महंगी भी है, महंगी नहीं हो रही भाई। जब खेत बाड़ी घर से दो गुणी कर दी, तीन गुणी फालतू, तो या और महंगी नहीं होगी। गणेश जी मुजफ्फरनगर सीट की बात कर रहे थे, क्या देख रहे? बड़े दो दिग्गज नेता है दोनों तरफ भी, संजीव बालियान जी, हरेंद्र मलिक जी, क्या देख रहे? किसका लाना चाह रहे? हमारा तो संजीव बालियान ही है। कैसा रहा काम? कैसा बढ़िया रहा, चोरी चकारी बंद, सारा काम ठीक, और क्या चाह रहा? और तो हम अपना करना खाना, चोरी चकारी बंद हो जो जो खेत में ले आए कमा के चोर न खोसे हैं, और क्या चाह? और भी जैसे किसान की अगर बात करें, किसान की समस्या है बहुत सारी, उन्हें भी देखे अगर, उनका क्या लगा किसानों के लिए, कैसे देखो आप सरकार का काम कैसा रहा? बस ठीक ही है कुल मिला के। जी भाई आपका नाम क्या क्या लगे? यही कह देंगे ठीक लगे। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम जी अपना? मेरा नाम वीरेंद्र चौहान है जी। जी वीरेंद्र जी, चुनाव की बात कर रहे थे, ऐसे ही लोकसभा सीट है, पूरे देश में नजर रहती है इस सीट पे मुजफ्फरनगर की, क्या देख रहे, क्या रहेगा इस बार? अच्छी जीत होगी, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में अच्छी जीत होगी। अच्छा काम कर रहे हैं आपके साथ? बहुत अच्छा कार्य कर रहे, जनता सब देख रही, आप भी यहाँ के होंगे तो आप भी देख रहे होंगे, तो क्या पहले क्या था अब क्या है। लेकिन क्या लगे, किस तरह के काम आपको, कौन से अच्छे काम लगे सबसे ज़्यादा? सबसे मेन मुद्दा तो अपना सुरक्षा करा, जिला मुजफ्फरनगर बहुत गंदा जिला हो रहा था, इतना क्राइम था यहाँ से कि जैसे आज हम माहौल में बैठे ऐसे माहौल में बैठने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन किसान नाराज है? नहीं, किसान नाराज नहीं है, सबसे पहला काम सरकार ने किसान के हक में लिया। कैसा कौन सा काम किया ऐसा? भाई पहले अपना गन्ना था, हम यहाँ गन्ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर किसान जो है गन्ने पे ही निर्भर है, गन्ना एक मेन फसल गन्ने की है, इसी से ही हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पढ़ाई लिखाई फीस तक। पहले हम गन्ना डालते थे तो उसमें जो है हमें एक वर्ष डेढ़ वर्ष तक इंतजार करना पड़ता था कि हमारी पैसे आ जा, बच्चे को फीस जमा हो जा, समय से हो नहीं पावे। अब हमारा एक हफ्ते के अंदर पेमेंट मिल रहा है। लेकिन गन्ना भुगतान को लेके, गन्ना भुगतान को लेके बहुत सारे आंदोलन हुए हैं पिछले सालों में, आप जो भुगतान की बात कर रहे हैं। नहीं देखो, जब ऐसा ना मिल पर अभी तक आंदोलन चला, भाई गन्ना भुगतान नहीं हो रहा। ऐसा है, जिले के अंदर कुछ फैक्ट्रियां हैं ऐसी, जिन्होंने किसानों को छला, 14 दिन का वादा किया था। 14 दिन का वादा हमने अपने मैनिफेस्टो में किया था, हम 8 दिन में पेमेंट दे रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे आंदोलन चलते रहे, शामली पे चला, 220 करोड़ रुपया बकाया है। फिलहाल की कंडीशन में एक फैक्ट्री छोड़ के हमारे माननीय संजीव बालियान जी ने इतना संघर्ष करा कि सबको लाइन पर ला दिया। अपना तितावी फैक्ट्री थी अपना, अब मैं मेरी तो सुन लो भाई साहब, इस समय एक छोड़ के बुढ़ाना भसाना मिल और कोई सी भी फैक्ट्री पे बकाया नहीं है, सब ने क्लियर कर दिया। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, शामली मील है, बैसाना मील है, मलकपुर मील है, ऐसे 5-6 मील और भी है जिनका बकाया भुगतान अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही भुगतान हुआ है, नहीं तो एक एक साल का भुगतान उनका पड़ा हुआ था। आप कह रहे कि भाई सबको ठीक कर दिया, ऐसा है भाई साहब? चुनावी दौर भी, चुनाव में भी तो प्रदेश में हमारी सरकार 2017 में बनी, 2017 से हम इन लोगों को नोटिस बराबर देते रहे। कृषि प्रधान देश है हमारा देश, जब हमारा किसान विकसित होगा तो तभी हमारा भारत विकसित होगा। लेकिन 13 महीने क्यों बैठा दिए वहाँ, 750 किसान क्यों शहीद कर दिए फिर वहाँ? नहीं वो भी एक आंदोलन, वो अभी भी किसान है पंजाब के, हरियाणा किसान बोर्डर पे, किसान को अपनी मांग मांगने का पूरा अधिकार, ये आज से नहीं ये पूर्ण काल से चला हुआ आ रहा, चाहे वो अंग्रेजों का भी कार्यकाल रहा, चाहे मुगलों का रहा, चाहे वो कांग्रेस के 70 साल रहे, किसान ने हमेशा अपनी मांग उठाई है और धरने धरे हैं, प्रदर्शन करे हैं और अपनी मांग मांगी है, और देने का कार्य जो है वो सरकारों का रहा है। अच्छा जी, भाई तो कह रहे सरकार बढ़िया है, बहुत
किसानों के लिए उसके नहीं, देखो लोकतंत्र है, कोई कुछ नहीं कह लो, जिसमें क्या बात है। नहीं वही मैं वही पूछ रहा हूं, सब अलग बैठे, सबकी सोच अलग अलग है। मैं वही कह रहा हूं, ठीक है अपनी जगह हो, आपको क्या उनकी बात आपको कहां तक सही लगे? बेटा बीजेपी के कार्यकर्ता है। अच्छा बीजेपी कार्यकर्ता। अच्छा बेटा कोई बुराई करने के नहीं, हम तो निष्पक्ष बात कर रहे हैं, जिसमें हमें दिक्कत है वहाँ अपनी दिक्कत बताओगे, जिसमें बढ़िया वहाँ बढ़िया बात बताओगे। लोकतंत्र है सबको, लोकतंत्र है, कुछ भी कोई कुछ। लेकिन लेकिन जो वो फैक्ट बता रहे किसान को ले, क्या वो सही है? नहीं किसान तो देखो मील एक आधे मील की समस्या नहीं है वो, हम कह लगे देखो हमारे मील में कभी कमिट की समस्या नहीं है, खतौली मील में। अच्छा खतौली मील में कभी समस्या नहीं है, यहाँ या श्यामली में आ रही, बुढ़ाने में है, किनोनी में है, तेरी मलकपुर में है, और था मोदी के उसमें भी था वो मोदी नगर उसमें भी है। अब लोगों का पिछले साल का यूरा बुढ़ाना या पिछले साल का भी पेमिट नहीं आया पूरा, अभी तो हमारे मिल में कदिया समस्या नहीं आई, खतौली मिल का हमेशा पेमेंट बढ़िया रहा। लेकिन कुछ मिलों में दिक्कतें हैं। अब वे नूनी बाबा बीजेपी ने करवा दिया था अपने मिल की उसकी कैपेसिटी। अच्छा नहीं कायदे में तो 14 दिन बाद जब भुगतान करे उसका ब्याज देना चाहिए, ब्याज कोई देता नहीं, जब कोर्ट के भी ऑर्डर है जब भी नहीं कोई दे रहा। बाबे नहीं दुआ रही थी पहली सरकार, इन्हें दुआनी थी, इन्हें तो देना था, जब भी तो मतलब होता भाई 13 महीने का आंदोलन उठा और उसके बाद कानून वापस हुए, MSP की गारंटी की बात भी कही थी मोदी जी ने, वो अभी तक नहीं हुआ, क्या उनकी बात फिर अगर प्रधानमंत्री जी की बात ही नहीं प्रशासन शासन मानेगा तो फिर आप इसको कैसे देखते हैं उनकी बात को? क्या देखे भाई जी बताया, हम बताओगे MSP की गारंटी तो दे दें पर इन्हें और डर लग रहा। अच्छा इन्हें डर है कदा सारा ही माल जाए, जितना ही मामला सारा MSP पे खरीदना पड़ जाए फिर समस्या आ जाएगी, अब सारा खरीद नहीं सकते, मतलब जितनी फसल हो उसका 6% जन कितना ही तो MSP पे खरीद रहे, गेहूं जो चावल है वे 6% ही तो कुल खरीद रहे, उसमें भी भारी पड़ जाएगा काम, और MSP की गारंटी होगी तो वो सारा खरीदना पड़ेगा भी, नहीं तो कहें सरकार कहाँ ले जाएगी इसे, वो समस्या उनकी नहीं दे रहे या इनकी वो मजबूरी। जैसे कोई कोई नमकीन का चिप्स का पैकेट बेच रहा उसका तो MRP तय है, तो किसान का क्यों नहीं कर? किसान का नहीं है या किसान का होना चाहिए, जैसे उनका है भाई वो मतलब 50 है शायद, मतलब भाई 100 रुपये का खर्चा तो 50 रुपये का मुनाफा लें वे तो, बल्कि फालतू ही लें वे तो। अच्छा अब किसान का देखो खर्चा खुद ही उनके भी आंकड़े हैं कि भाई 312 रुपये का खर्चा आ रहा है एक कुंटल गन्ना पैदा करने पर, तो हमारा हिसाब से कम से कम 450 का रेट चाह, और ऊपर है महंगाई की मार, और महंगाई की मार और दवाई इतनी महंगी होगी, हाँ एक आम आदमी अगर कुछ बात होगी कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई बीमार हो जाए तो एक किसान तो इलाज नहीं करवा सकता हॉस्पिटल में जाके, इतना तो महंगे सिस्टम हो रहे। तो सीट पे क्या लगे, मैं दोबारा पूछ रहा जी क्या रहेगा, बराबर का रहेगा मामला या सीट का भाई? सीट का मामला है, ठाकुर साहब है उनके ऊपर है, त्यागी के ऊपर है, हाँ इन्हें जो ले गया उसी की तरफ मामला, तो दोनों तरफ ही जाट हो गए। हाँ दोनों तरफ ही जाट, नहीं जाट तो हो गए, BJP से नाराज था जाट पहले, और वो जयंत चला गया, अब वो कुछ जाट अभी नाराज चल रहे हैं कि भाई वो क्यों चला गया उसमें, हम तो जाना नहीं चाह रहे थे, अब देखो क्या है अब उनसे, अब कुछ तो ऐसे हैं भाई उनसे बगल भी नहीं जाया जाने का। हम लोग उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर थे और ये कैलाश नगर गाँव है, हमने यहाँ के ग्रामीणों और किसानों से बातचीत की, लोगों की अपनी अलग अलग राय है चुनाव को लेकर, जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सब लोगों का लोकतंत्र है जी, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है।